नमस्कार, स्वागत है आपका साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ वर्षा, और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया पर्यटन नगरी ओरछा पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान राम राजा सरकार के दर्शन किए और प्रदेश की खुशहाली के लिए कामना की, जिसके बाद मंत्री ने बीजेपी नेता और कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। पत्रकारों से बात करते हुए मंत्री ने किसान बिल को गीता और रामायण बताया। उन्होंने कहा कि किसानों ने बिल का सही अध्ययन नहीं किया है। आगे कहा कि यह जो सामाजिक तत्व हैं, वो भारत को मजबूत बनाने की अपेक्षा कमजोरी के रास्ते पर ले जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश एक सुरक्षित हाथों में है। आज राम राजा के चरणों के दर्शन करने आए थे। मनोकामना एक ही है कि मध्य प्रदेश के विकास में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में जनता को, आज गणतंत्र दिवस का दिन है, जनता को विकास की योजनाओं को ज्यादा सुखानुभूत का एहसास हो। श्रद्धेय परम पूजनीय राम राजा जी की कृपा इसी प्रकार से मध्य प्रदेश में बनी रहे। आज राम राजा के चरणों के दर्शन कर